भाई साहब आग वापस लगाई है। सूरज निकल चुका, देखने में कैसी लग रही है? हाँ जी, सुबह के बज रही 5:30 और हम आए आज पुष्कर ट्रैकिंग पे। पैसे पूसे वास्ते ते सोचे दुनिया, जट पैदा होया बस छोड़ वास्ते। और हमारे साथ आए रवि जी भी आए। वैसे तो 4 जने थे लेकिन 2 जने हमें धोखा दे गए, फोन स्विच ऑफ करके सो गए। तो हमने कहा चलो मौसम बनाया तो उसको पूरा करके आते हैं। आनंद आ रहा है भैया ट्रैकिंग का, बढ़िया वाला। तभी कहते हैं रोज सुबह उठ के वॉक पे जाया करो। हमारा अजमेर, हाँ हाँ, क्या मस्त हवा चल रही है, ये देखो आप, शानदार। हमने एक और प्लानिंग भी की थी कि हम यहीं पे चाउमीन वगैरह बनाएंगे, चाय वगैरह बनाएंगे ट्रैकिंग पे, लेकिन हवा इतनी तेज है भाई, हम कोशिश करेंगे क्या होता है, बाकी देखते हैं, आगे वीडियो में देखते रहो। और बस थोड़ी हमें सांस लेने दो। भाई साहब प्याज भी लाए हम और प्याज वाली मैगी बनाएंगे, और पहाड़ों में मैगी खाने का मजा, वो भी प्याज वाली, क्या बात है। फाइनली हमारे प्याज व्याज कट गए भाई, और हम सब लेके आए घर से, ऑयल वगैरह सब तैयारी पूरी है, मसाले वसाले सब, बस टेस्ट सब जैसा भी हो जी अच्छा ही होगा। प्याज काटे थे, फटाफट से बनानी पड़ेगी क्योंकि आज बहुत तेज है। ये रही हमारी मैगी, और ये रहा हमारा, समझ गए होंगे क्या। अब देखो आप हमारी प्याज कितनी फास्ट, क्योंकि हमने बहुत देर से रखा हुआ था ना। हाँ, एक बैठने की स्टूल लिया था ना तो ज्यादा अच्छा रहता। और बढ़िया, बाद में सब कुछ समझ में नहीं आता। क्या चीज? इंसान कर करके सीखता है, इंसान कर करके सीखता है। और बाजी के ये हमारा फर्स्ट टाइम है ट्रैकिंग, और पहली बार में देख लो मैगी बना के खा रहे हैं पहाड़ों में, और क्या चाहिए बताओ। अगली बार तो मटन बनेगा। हाँ, मटन भी बनाएंगे, और ये देखो मटर भी लाए, मटर चीजें सारी है हमारे पास, खाएंगे तो बढ़िया खाएंगे। लकड़ियों की थोड़ी सी कम हो रही है, एक बीघा कम हो रही, लेकिन सुविधा सब हो रही है। घर पे भी बोलते ना, घर वाले कहते तुमसे प्याज नहीं कट रहे और वहां जाके तुम मैगी बना रहे हो। वेरी गुड, अभी भैया हम चाय भी बनाएंगे, घबराओ मत आप। अब इसमें डाल देते हैं मसाले, नमक मिर्ची हल्दी सब हम एक में डाल के लिए आए थे, अलग अलग कितने थैलियां खराब करते। Thank you.
रेसिपी बाहर नहीं जानी चाहिए इंडिया की। भैया रेसिपी है देसी, वैसे मैं घर में अभी इस टाइम से बनाता हूँ, इसको तोड़ के डालना चाहिए। दो पैकेट है हमारा, वैसे कल तीन जनों का था, रात को एक चौथा हुआ था, लेकिन वो दोनों ही नहीं आए, तो हमारे लिए मैगी बहुत है, मोर देन इनफ। क्या भाजी लग रहा है थोड़ा पानी है, हो जाएगा थोड़ा सा पानी और डाल दिया जाता है। थोड़ा सा ढलान है ना, तो फ्राई पैन हमारा एक तरफ झुक रहा और हम ये कोरियन स्टाइल मैगी बना रहे हैं। और ये अब हम डाल रहे हैं मटर, फ्रोजन मटर। मैगी का असली मजा पता है आपको वेजिटेबल्स में है, जो प्लेन मैगी खाते हैं ना का कोई मजा नहीं है भाइयों, असली मजा है फ्रोजन, जो वेजिटेबल डालते हैं इसके अंदर। पानी बहुत है बाजी, क्या और डाला जाए? सही है, सही सही है यार, एक तरफ खिसक खिसक के ना। अब यार हम ढकने के लिए तो कुछ लाए नहीं भाइयों, इसको ऐसे ही चलानी पड़ेगी। मसाला भी डाल देते हैं, हमने ध्यान नहीं था, इधर जल गया। थोड़ा सा और इसको ड्राई होने देंगे अच्छे से। ये वैसे अभी एल डांटो हो गई है, एल डांटो का मतलब होता है आधा पका हुआ। और ये जो स्पेनिश लोग होते हैं ना, ये पास्ता मैगी वगैरह सब आधी पका के खाते हैं एल डांटो। ये मैंने एक चैनल था उसमें देखा था, अब राम जाने वो सही था कि गलत था। अब भैया मुझे लग रहा है ये बन चुकी है बढ़िया वाली, बेहतरीन। अब हम सोच रहे हैं कि अब हम चाय की तरफ बढ़ें और चाय बनाएं। ठीक है भाइयों, देखने में कैसी लग रही है? और हम पियेंगे प्योर दूध की चाय भैया, अभी हम वहां पे नहीं रख सकते क्योंकि वहां से गिर सकती है। आप पकड़ना सर, भैया चीनी कितनी लोगे सर आप? एक चम्मच। एक चम्मच लो। अब जो नहीं आया वो वीडियो देखेंगे तो क्या करेंगे? रोएंगे अपनी किस्मत। क्यों नहीं आए? वैसे ना हम एक, हाँ मेन बात तो मैं बताना भूल गया, अभी बताएंगे जब हम कुछ अभी खाने बैठेंगे, जब आपसे शेयर करेंगे वो बात भी। यार आप लोग यहाँ तक वीडियो मेरा देख लेते हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर दिया करो यार, बोलना पड़ता है यार, इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आप आराम से सो रहे हो और हम देखो क्या कर रहे हैं। अपनी चाय रेडी हो गई है और देखो हमने इंतजाम सारा किया है भैया, कप भी लाए हैं और सब कुछ लाए हैं। मैंने आपको क्या बोला था वीडियो में, मजे सारे करने, देख लो कप भी चार थे। बस गिर मत जाना भाई तू। बस यार नज़ारे का लुफ्त उठाना है यार, और कुछ भी नहीं यार, जिंदगी तो क्या है यार, एक फूंक की है साली, जिस दिन फूंक आनी है आ जानी, तो उससे पहले मज़े ले लो भैया, कल कुछ नहीं होता, जो होता है आज होता है। इन्होंने भी बोला था यार कल देखते हैं, मैंने कहा कल नहीं देखते यार, चलना है तो चलना है। अब जो कल वाले थे वो सो रहे हैं और आज वाले आके एंजॉय ले रहे हैं। कैसी लगी सर मैगी? बहुत अल्टीमेट लगी। तो लाओ सर 20 रुपये दो, फिर 20 रुपये प्लेट है। पेटीएम और कैश? पेटीएम कर दो सर, कोई दिक्कत नहीं। वैसा मैगी जो बनी है ना, आप लोग वैसे तो देख ही सकते रहे कितनी बढ़िया बनी, लेकिन टेस्ट ओए होए होए होए, अल्टीमेट टेस्ट भाई, आप लोग खाली महसूस कर सकते हो और हम तो आनंद ले रहे हैं भैया।
और किसी को भी आना हो, ऐसे आनंद लेने हो, तो भैया कमेंट में जाओ और मुझे कमेंट करो कि अगली बार पाजी हमें भी साथ लेके चलना। सूरज निकल चुका, तो हमने हमारी मैगी खत्म कर ली है। अब जो मेन काम होता है शादी के बाद में बर्तन इकट्ठे करना सबसे मुश्किल काम, वो करेंगे अब हम। फिर थामी थी साजन तुमने मेरी कलाई क्यों, चले ही जाना था नजर चुरा के। पाजी की जो प्लेलिस्ट है वो आउट ऑफ द वर्ल्ड है, और अगली बार थोड़ा हम स्पीकर भी लेके आएंगे ताकि फुल माहौल बने। ये तो केवल एक है, आज हमने तो एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट था छोटा सा। अगली बार तो वैसा माहौल बनेगा, माहौल बंदे होंगे, जश्न का होगा इंतजाम जश्न करेंगे, जश्न जश्न। ये देखो भैया धक्की ना, पूरा इलाका धुआं धुआं कर देंगे, इसलिए मैं कह रहा था यार बुझा के जानी चाहिए। अब ये सारी चीजें, और ये हम क्यों लाए थे भैया, कोई हमें कल डरा रहा था कि मत जाना वहाँ पैंथर है, तो हमने कहा इंसान से बड़ा जानवर कोई हो सकता है क्या। वाह, हमने कहा चलो सेफ्टी मस्ट लेके चलते हैं। यार हम एक कपड़ा लाए थे, हाँ ये रही थैली, चलिए थैली तो कुछ तो काम आएगी, वो तो हमारा बैग खराब कर दिया, अगली बार भी तो काम में लेना। ठंडा हो गया भैया, वजन हम लाए थे 10 किलो और जा रहा है, कितना जा रहा है पाजी, 2-3 किलो। चलो बढ़िया, चलिए भाई लोगों यहाँ का हो गया इंतजाम पूरा। ये हमारी आगे स्टिक, और पीछे की तरफ मुड़ के देख लेते हैं एक बार और चलते हैं, एक बार और चले, आइए चलते हैं। ये देखो भाइयों, ये है हमारा अजमेर शहर, जबरदस्त। तो वीडियो कर रहे हैं हम समाप्त, बहुत हुआ, बहुत झेल लिया आप लोगों ने मुझे और यार एक काम क्यों नहीं करते आप लोग, अभी अभी हम वीडियो बनाना चालू किया हमने, तो हमारी यार गलतियां बताया करो ना भाइयों यार कमेंट में कि पाजी यार आप ये करते हो, ये करो, वो करो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, कुछ सजेशन दो यार, हम तो वेट करते हैं आपके कमेंट का, कैसा भी हो करा करो यार। दिल से बुरा लगता है यार, आप लोग वीडियो देख रहे हो लेकिन उसको शेयर नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, बहुत दिल से बुरा लगता है यार। थोड़ी सी यार हमें भी, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं पाजी, थोड़ी सी क्या होती है, थोड़ा सा प्यार हमें भी चाहिए यार। भले हमें मिला बहुत है जिंदगी से, लेकिन आप लोगों का भी चाहिए यार। हाँ जी, एक और मेन बात, हम अजमेर के हिडन जेम्स, अब वो कुछ भी हो सकते, खाने पीने के, घूमने के, हर चीजें जो छुपी हुई हैं लोगों से, जो बहुत ही कम लोग जानते हैं, लेकिन बहुत ही अपने में एक जैम की तरह है ना, जो वो वाली चीज़ें अपन लेके आ रहे हैं, वो पूरी एक सीरीज लेके आ रहा हूँ मैं, और नेक्स्ट टारगेट मेरा यही है कि अजमेर हिडन जैम्स के नाम से पूरा एक सीरीज लाऊं और आप लोगों को पूरा अवगत कराऊं कि अजमेर में क्या क्या है और अपने से क्या क्या छुपा हुआ है। तो आप लोग भी मुझे कमेंट करना भाइयों, और बताना कि कौन कौन सी चीज़ें, और ये सीरीज हम बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, तो बने रहिए, और यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो यार, शेयर ही कर दो यार।